मॉर्निंग क्लास, मैं विनीत कुमार सरस्वती विद्यापीठ इंटर कॉलेज सरमेली आप सबके सामने एक नए वीडियो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन के बारे में। जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था, नियम नंबर 2 के अकॉर्डिंग यदि रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस भी बदल जाता है। उसी क्रम में अगला रोल कहते हैं, रोल नंबर 3 क्या कहता है? रोल नंबर 3 का पहला पॉइंट है, यदि रिपोर्टिंग पर में सैड दिया होता है तो हम इनडायरेक्ट करते समय सैड का सैड ही कर देते हैं, तथा सैड 2 दिया होता है तो उसको हम टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात जब सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तो हम उस सैड को टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसका? इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है उसको हटाकर उसके स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देते हैं, इस दैट का कंजक्शन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आप उदाहरण देकर भी पेश कर सकते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण दिया है हमने, सोहन सैड टू मी राम इज राइडिंग ए बुक। तो पहले वाले उदाहरण में क्या है, ये सैड हमारा ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, हमारा सैड टू दिया हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस सैड टू के स्थान पर हमें क्या बदलना है, टोल्ड को लाना है। इसी क्रम में हमने क्या करा है, जब हमने इसको इंडायरेक्ट में चेंज किया है तो सोहन सैड टू को कर दिया टोल्ड में, ऑब्जेक्ट इसका मी दे रखा है, मी का मी है, कॉमेंट कोमा को हटाकर, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटर कोमा को हटाकर उस स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देते हैं तो उसे हम यहाँ पर दैट ले आए। अगला वाक्य जो भी हमारे प्रेजेंट में थे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया था तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में था पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। उसी क्रम में ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दी हुई है, तब हम इसको इंडायरेक्ट करते समय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। तो इसका हमने यहाँ पर वाच कर दिया तो ये बात लगाने से वाक्य हमारे इसमें पहुंच गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा उदाहरण क्या कहते हैं, ही सेड, अब ये खाली सेड दिया हुआ है, इस सेड के बाद हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए इस सेड को हम सेड ही लाएंगे जब डायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो कहता है द हॉर्स डाइड इन द नाइट, इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करना है हमें, ही सेड, अब सेड का हमें टोटल नहीं करना है यहां पर, क्यों? क्योंकि इस सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए सेड का सेड ही प्रयोग करना है। कोमा एंड कोमा को हटाएंगे, उसके स्थान पर दैट का जैसे कर लाएंगे, दिया है हमने। अगला शेष वाक्य को हमें पास्ट में बदलना है, पहले ये देखना होता है कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टेंस में दी हुई है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दी हुई थी, पास्ट इंडेफिनिट की रिपोर्टेड स्पीच को हमें बदलना पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो इसी क्रम में हमने कर दिया यहाँ पर हैड डायरेक्ट, अर्थात इसको हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने पहुंचा दिया। तीसरा रूल चलता है, तीसरा एग्जांपल हमारा, आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर। हमने आपको बताया था कि हमारी रिकॉर्डेड स्पीच में कैन दिया होता है तो हम उसको कुड में बदल देते हैं, तो हमें डायरेक्टर में बदलते समय कैन को कुड में बदलना है। आई सेड दैट हम ये समझ सकते हैं कि वाक्यों को इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तित किया जाता है। कहता है बच्चों, टेंस संबंधी नियम के अपार, ऐसा भी होता है क्योंकि हमने अब तक ये पढ़ा है, जब रिपोर्टिंग बार वो पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस भी बदलता है,
परंतु हम जो अब नियम आपको बताने जा रहे हैं ये उसका अपवाद है। तो आप कहते हैं रिकॉर्डिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिकॉर्डेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, अर्थात हम कह सकते हैं रिकॉर्डिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिकॉर्डेड स्पीच का टेंस निम्न रूप में या निम्न दशाओं में हम नहीं बदल सकते। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है उसे जानेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट आता है आपका, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ हो तब हम उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। जैसा वाक्य होता है कंजक्शन दैट का प्रयोग करके सेम वैसा ही लिख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भी हम इसको देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ हमने इसमें, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ पृथ्वी मूव्स घूमती है राउंड द सन सूर्य के चारों तरफ। ऐसी बात सत्यवाद है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसलिए हम इसमें इस सेड हो या इसकी वर्ब हो रिपोर्टेड स्पीच की इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम इनडायरेक्ट में इसको बदलते समय इस प्रकार से बनाएंगे, द टीचर सेड, कॉमेंट कोमा को हटाकर हमने दैट का प्रयोग कर देते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो आपने देखा जैसा हमने रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट वाक्य में दी हुई है सेम हमने वही रिकॉर्डेड स्पीच उतारी है, अर्थात इसमें हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। दूसरा पॉइंट, जब कोई आदत संबंधी तथ्य अर्थात जब किसी की कोई आदत प्रकट हो रही हो है विचुअल लक्षण या फैक्ट, इस बात को कहें कि इस व्यक्ति की तो इससे आदत प्रकट होती है, या हम ये भी कह सकते हैं जो कुत्ते होते हैं वो अजनबी को देखकर भौंक पड़ते हैं, ये उनकी आदत में शुमार होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, हरी सेड टू रवि, हरी ने रवि से कहा, डॉग्स कुत्ते वार भौंकते हैं स्ट्रेंजर्स अजनबी। ये कुत्तों की आदत होती है, कुत्तों का भौंकना अजनबियों पर ये उनकी आदत को प्रकट करता है। जब आदत को प्रकट करता है तो रिपोर्टेड जो हमारी वर्ब होती है वो पास्ट टेंस में होते हुए भी हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखेंगे कैसे करते हैं। हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स वर एट स्ट्रेंजर। तो आपने देखा हमने सेट टू को तो टोल्ड में बदल दिया, ये तो नियम पर होता है कि हम इसको बदल देते हैं, मगर हमारे हमने कहा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता तो हमने इसमें कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं किया है, अर्थात जैसे हमारा ऊपर लिखी हुई थी रिपोर्टेड स्पीच वैसे ही नीचे लिखी हुई है। तीसरा पॉइंट कहते हैं हमारा, जब कोई कहावत कहावत मतलब कोई प्रोवर्ब कही जाए या कहीं कोई प्रोवर्ब दी होती है तो हम ऐसे वाक्यों में भी कोई रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, ही सेड कमेंट को मार्क ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो ये कहावत होती है, जब कहावत है तो जाहिर सी बात है हमें इस रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो जैसा हमारा रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है अगर वैसे की वैसे हम यहां पर इनडायरेक्ट में लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट कहते हैं, जब कोई ऐतिहासिक घटना बहुत हो सकती है और वो सत्य हो गलत ना हो, जैसे इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हुई थी ये बात सत्य है, इस प्रकार की घटनाएं जो भी होती हैं वो सब हिस्टोरिकल फैक्ट के अंतर्गत आती हैं। तो हमने एक उदाहरण दिया है
The history teacher said. Samudragupt is called the Napoleon of India. इतिहास के अध्यापक ने कहा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह ऐतिहासिक घटना है, इसलिए हमने क्या करा, जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है उस सभी में वैसा ही सेम हमने इनडायरेक्ट स्पीच में लिख दिया है, कोई भी परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि यह ऐतिहासिक घटना है। इसी क्रम में हम आपको होमवर्क के रूप में इन पांच सेंटेंस को दे रहे हैं, ये आप सभी अपनी कॉपी पर तैयार कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आचार्य को चेक भी करा सकते हैं। धन्यवाद।